अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी हम जा रहे हैं लफ़के में और वहाँ पे इंशाल्लाह आज का व्लॉग आपको पूरा जो सा वो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। आज हम शेख निज़ामुद्दीन साहब के मज़ार पे जाएंगे। बहुत बड़े सूफ़ी हैं, औलिया काम हैं, तो ग्रेवयार्ड पे वहाँ पे विज़िट करेंगे। मेरे साथ हैं मोहसिन चाचा जी और इधर वसीम भाई और ये नुमान भाई हैं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी हम निकोसिया से निकले हैं, इंशाल्लाह विद इन वन आवर जो सा वो लफ़के पहुँच जाएंगे। 80 किलोमीटर यहाँ से निकोसिया से है लफ़का। तो बाकी की अपडेट इंशाल्लाह आपको साथ साथ करता रहूँगा वीडियो में।
अलहमदिल्ला अभी हम लफके पहुंच गए हैं। अभी हम जो सा वो दरबार शरीफ की तरफ जा रहे हैं, तो साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। कितना पुरसकून, कितनी पुरसकून जगह। नीचे रोड जाता है, ये तो दरबार शरीफ की एंट्रेंस है। और वो रूहानी शख्सियत सलाम अलैकुम। जो सा वो सारा शजरा है 1299 से लेके 1922 तक का सल्तनत उस्मानिया जो सा उसका पूरा इन्होंने जो सा वो लगाया हुआ है। वो शजरा कौन कौन से दौर में कौन कौन से इनके बुजुर्गान आए हैं वो सारा इन्होंने लगाया हुआ है। जी तो भी ये मैं दरबार शरीफ में एंटर हूँ। कहते हैं इस दरबार की हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी, तो भी मैं आपको विजिट करता हूँ सारा। ये मजार शरीफ है इस वाली साइड पे। दरबार की हिस्ट्री जो सी है वो अभी मैंने बताया काफ़ी पुरानी। अभी मुझे यहाँ पर कोई पाकिस्तानी नज़र आता मैं उससे इंटरव्यू, तो वीडियोज़ में मौजूद हैं यहाँ पे पाकिस्तान के जो से प्रेसिडेंट थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो भी यहाँ पे जो सा वो शेख साहब के पास आए थे। बेनज़ीर भुट्टो भी आई हुई है। और ये जी बिरयानी, वालेकुम अस्सलाम।